I hope you all are doing very very good. तो भाई आज हम जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह. आज हम जा रहे हैं सुभाष नगर में लामा क्वालिटी मोमोज या लामा मोमोज कुछ भी कह सकते हो. और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा लामा मोमोज के बारे में. तो लामा क्वालिटी मोमोज पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यार ओवर हाइप जगह है मोमोज के मामले में. ना मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई लामा मोमोज पे जाओ, लामा मोमोज पे जाओ. मेरे सब्सक्राइबर्स का भी आता है लामा मोमोज पे जाओ. आगे पता नहीं क्या है लामा मोमोज में ऐसा. बात तो सही है. आज पता लग जाएगा ना, खा के देखेंगे. हाँ लामा है मामा. तो अब देखते हैं उसके मोमोज जैसा मुझे सुनने में आ रहा है, टेस्टी है, ये है, वो है, होता है या नहीं होता. तो आपको तो पता ही है यार, हमारा काम तो यही है ना, ओवरहेड जगहों पे जाके रिव्यू देना और बताना कि वो ओवरहेड होने की उसमें है भी या नहीं है, है ना. तो जो लामा क्वालिटी मोमोज है वो है सुभाष नगर में. और चलते हैं गोल चक्कर से आगे. तो चलते हैं, भीड़ होने की पूरे पूरे चांसेस है. अभी देखते हैं तो पता लगेगा वहीं जाके. तो मेरे को ना मोमोज खाए बहुत टाइम हो चुका है. तेरे को कितना टाइम हो गया मोमोज खाए? बहुत टाइम. तो मैं तो मोमोज ना खाती ही नहीं हूँ जान बुझ के, क्योंकि नहीं खाती. बस क्यों नहीं खाती मुझे नहीं पता, इसलिए नहीं खाती भाई. थोड़े अनहेल्दी भी होते हैं देखो मोमोज, नो डाउट. चाहे वो जिस मर्जी का प्यार है, दिल्ली वालों का प्यार है, बट जनता माफ नहीं करेगी. अनहेल्दी होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं. बट आज कोई बात नहीं, कभी कभी 6-7 महीने में एक बार चल सकता है. भाई हम आ गए हैं लामा क्वालिटी मोमोज पे. अपन तो आ गए हैं लामा क्वालिटी मोमोज पे. और अभी ना इतनी भीड़ नहीं हो रही, 4-5 लोग ही है. बट जब मैं आती हूँ ना कभी कभी तब तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही होती है ना. तो भाई ये इनका मेन्यू है, एक बार पॉज करके चेक कर लेना, प्राइजेस खुद देख सकते हो. तो हर्षू के आ गए हैं ये सोया वाले मोमोज, हाफ प्लेट में 4 पीस. ये है लामा क्वालिटी मोमोज. बाहर से एकदम नॉर्मल सिंपल बना रखा है, अच्छा है, हाइजीनिक मेंटेन कर रखा है इन्होंने, सब बढ़िया है. मैंने अपने लिए हाफ प्लेट चिकन मोमोज, क्योंकि मैं चिकन भी ट्राई करना चाहती थी और सोया वाले भी ट्राई करना चाहती थी लामा क्वालिटी के. ये इनके सोयाबीन वाले यार अलग सी है फीलिंग ना, बहुत बढ़िया है, फ्लेवरफुल है. ये चिकन वाले हैं, जूसी है और बहुत ज़्यादा चिकन है अंदर, मैदे की लेयर बहुत पतली है. ये हर्षू जी ट्राई कर रहे हैं सोयाबीन वाले और ये तो दीवाना हो चुका है इसका बहुत ज़्यादा. हमने ले लिए हैं ग्रेवी मोमोज, पनीर वाले हैं ये, पनीर वाले लिए हैं और अच्छे लग रहे थे देखने में. अब स्टीम से तो काम चलता नहीं तो इसलिए ले लिए. अभी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इट्स वेरी हॉट. मोमोज है ना यार ये बहुत बढ़िया है, इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इसका और चिकन भी अंदर काफ़ी ठूस ठूस के दे रखा है ना. ग्रेवी मोमोज में एक्सपेक्ट करी थी वो वाली होगी कि टमाटर प्याज वाली होती है जो शिमला मिर्च वाली नहीं होती, वो चिली पनीर, वो चिली होता है, वो ग्रेवी नहीं होती, वो चिली होती है. मेरे को वही लगा था बट ये पूरा अलग सिस्टम आ गया मेरे पास. बट अच्छी है, टेस्टी है, नॉर्मल है इसका, इसका टेस्ट नॉर्मल ही है, अच्छे है. सोयाबीन वाले कैसे थे यार? सोयाबीन वाले तो सोयाबीन वाले थे ही नहीं, वो तो भाई वो थी जन्नत थी जन्नत. सोयाबीन वाले बहुत बेस्ट थे इनके. बेस्ट का बेस्ट कभी नहीं खाए वैसे, पर महंगे भी हैं, अभी उस पर बात करूंगी मैं. मैंने नहीं खाया कभी क्योंकि उसकी अलग ही फीलिंग थी, एकदम मतलब अलग ही टेस्ट था थोड़ा सोयाबीन का. और स्टीम वाले बहुत बेस्ट है, स्टीम खाओ, स्टीम बेस्ट. ग्रेवी कैसे थे? ग्रेवी ठीक थे पर इतने खास क्रीमी क्रीमी लग रहे थे बहुत ज्यादा, वो इतने बढ़िया लगे पर भाई सोयाबीन तो बवाल था. अब मैं बताती हूँ भाई, सोयाबीन मैंने एक इतना सा टेस्ट करा था आधा और वो इतना टेस्टी लगा मुझे, ऐसा लगा था बटर चिकन होता है ना वो डाल रखो अंदर, मतलब उसकी एक अलग ही वो थी यार टेस्ट,
बहुत ही बवाल था, कीमा कीमा था एकदम, बहुत ही बस हाँ ये है कि रेट प्राइस थोड़े हाई है। हाँ प्राइस बता दी भाई, 100 रुपए हाफ प्लेट, 170 to 180 फुल प्लेट जा रहा है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे को लगता है कि प्राइस बहुत हाई है, क्वालिटी अगर आप अच्छी भी दे रहे हो बट प्राइस इतने हाई नहीं होने चाहिए, है ना। कि और ग्रेवी मोमोज मेरे को नहीं अच्छे लगे, मतलब बहुत क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर हो गया, मुँह मेरा थोड़ा अजीब से ही हो गया टेस्ट, है ना। क्रीमी इतना बढ़िया नहीं, वो ग्रेवी था, और ग्रेवी अलग ही था, वो मैं सोची थी वो वाला है बट वो वाला नहीं था जो मैंने सोचा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ बस मैं ये कहना चाहूंगा कि यार जाओ और एक बार खा के आओ, पर सोयाबीन वाले ही खाना भाई। सोयाबीन वाले ही खाना, और जो चिकन भी खाता है ना उसको भी मैं रेकमेंड करूंगा कि सोयाबीन वाले एक बार खा के देखो, क्योंकि चिकन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, सोयाबीन कभी कभार मिलता है और बहुत लिमिटेड, वो बहुत रेयर होता है ऐसे मिलना, ऐसा मिलना, हाँ मतलब मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था, सॉरी। तो वो रेयर है एकदम, मतलब कि यार फीलिंग हो गई यार, अलग है वो, अलग था वो, कुछ अलग ही था, पता नहीं उसने, अबे उसके ऊपर मोमोज के ऊपर भी उसने मैजिक मसाला डाला था। हाँ, और उससे अच्छा लगा, और उससे बहुत बढ़िया लग रहा था। और मोमोज और जो बटर वाले थे ना इसके, एक बटर वाले भी इसके हैं, अच्छा। बटर मतलब वो उसके ऊपर बटर डाल के देता हुआ हल्का सा, वो मेरे हिसाब से और बढ़िया लगेंगे आपको। और मोमोज की लेयर भी बहुत पतली थी, एकदम ऐसे ही, एकदम ऐसे फटी थी, कच्चा कपड़ा जैसा, कपड़ा बोल के नाम है उसका, पेपर जैसा, रुमाली जैसा, हाँ बहुत ही बढ़िया। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय, और हमारे को देखते रहो यार जल्दी। ओके बाय बाय।